कम पैसों में वाहन खरीदी का झांसा देकर वाहन चालकों से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इसमें भंडारा सहित नागपुर और गोंदिया जिले के 4,500 वाहन चालकों का समावेश होकर धोखाधड़ी की रकम तकरीबन 30 करोड़ होने की जानकारी है। इस संबंध में भंडारा पुलिस ने अपराध दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस मामले में संबंधित शोरूम चालक और फाइनेंस कंपनी के दोषियों पर भी कार्रवाई की जाए, ऐसी शिकायत पीड़ित वाहन चालकों ने भंडारा पुलिस में की है। इस संबंध में धोखाधड़ी का शिकार हुए राहुल मारबते ने कहा कि दोपहिया खरीदी के लिए भंडारा के शोरूम में जाने पर कुछ कर्मचारी शोरूम के केबिन में बैठे एम फाइनेंस कंपनी के व्यक्ति के पास भेजते थे। एम फाइनेंस से दोपहिया खरीदने पर कम कीमत में दोपहिया मिलेगी, ऐसा भी इन कर्मचारियों द्वारा बताया जा रहा था। इस लालच में आकर पीड़ितों ने एम फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस पर दोपहिया खरीदी। दोपहिया की कीमत 96,000 रुपए थी। तब एम फाइनेंस को 62,000 रुपए दिए और 2,000 रुपए की 6 महीनों की किस्त बनाई गई। हमें 96,000 की दोपहिया 74,000 में मिलने की खुशी थी, परंतु एम फाइनेंस कंपनी ने किसी और कंपनी द्वारा उनकी दोपहिया का फाइनेंस किया था। इसमें विविध फाइनेंस कंपनियों का समावेश है, जिसके कारण इन कंपनियों द्वारा पैसों के लिए उनको बार बार पूछा गया, उनके साथ धोखाधड़ी होने का सामने आया। ऐसा ही मामला भंडारा के आशीष गोस्वामी, अरुण अतकरी, ईश्वर बोधनकर सहित भंडारा के हजारों व्यक्तियों के साथ हुआ है। यह मामला सामने आने के बाद पीड़ितों ने भंडारा पुलिस में शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने एम फाइनेंस के संचालक आसिफ खान के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया। इस मामले में जिस शोरूम में बैठकर अवैध उद्योग शुरू था, उस शोरूम के मालिक, कर्मचारी, फाइनेंस करके देने वाले कंपनी के अधिकारी, कर्मचारियों को भी आरोपी करार देते हुए गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है।